अलीगढ़ के सब्जी मंडी में पुलिस कर्मियों पर उस दौरान पथराव किया गया जब वह जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण महामारी के चलते लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गए थे। इसी दौरान पब्लिक ने उन पर पथराव कर दिया। पूरी घटना कोतवाली के भुजपुरा इलाके की बताई जा रही है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने का समय खत्म होने के बाद ठेले हटाने व दुकानें बंद कराने निकले पुलिस कर्मियों से कहासुनी होने के बाद भीड़ ने सीधा पथराव कर दिया। पथराव के दौरान एक पुलिस कर्मी को सिर में चोट लगी है। 3 थानों की पुलिस मौके पर फिलहाल बनी हुई है और शांति व्यवस्था कायम कराने की प्रयास में लगी हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी गण भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। वर्तमान में कानून व्यवस्था बनी हुई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने पथराव करने वालों को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं घटना को लेकर डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने भोजपुरा प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भोजपुरा सब्जी मंडी को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उस इलाके में अब माहौल पूरी तरीके से शांत है, किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का मामला था, क्यों पथराव हुआ पुलिस कर्मियों पर यहाँ? ऐसा है, 10 बजे यहाँ दुकान बंद कराई जा रही थी। दुकान बंद कराने के दौरान दो सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। इस बीच में उनको छुड़ा, आपस में इनमें पथराव हो गया। इनको छुड़ाने के लिए जब हमारा कर्मचारी अंदर गया, जुनैद सिपाही, तो उसको पत्थर लगा जिससे वो घायल हो गया। इस पर घायल होने के बाद जब दुकान को बंद कराया जा रहा था, 5 मिनट बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस को पथराव कर दिए। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस जिस तरह लॉकडाउन की कार्रवाई का पालन करा रही थी उस समय जो पुलिस पर पथराव हुआ। नहीं, 10 बजे मार्केट बंद कराया जा रहा था, शुरुआत जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी से हुआ है, लेकिन जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ ये तो मैं आपको अवगत करा। कितने लोग घायल हुए इसमें? 1 पुलिसकर्मी। क्या ऐसा महिला कांस्टेबल को घेर लिया था? नहीं, महिला कांस्टेबल को लेकर किस तरह कार्रवाई की जा रही है? आज जो जानकारी मिली है उसमें भोजपुरा में जो 6 से 10 सब्जी मंडी की जो दुकानें खुलती हैं उस दौरान 2 सब्जी बेचने वालों विक्रेताओं में विवाद हुआ, उनमें आपस में झगड़ा हुआ जिसमें पुलिस बीच बचाव करने गई तो उस पर पुलिस पर उन्होंने पथराव किया। 1 सिपाही को हल्की सी चोटें आई हैं और बाकी जो है जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। कल से भोजपुरा का भी सब्जी मंडी का एरिया बंद किया जा रहा है और वहाँ के लोग जाकर के नुमाइश ग्राउंड से सब्जी खरीद सकते हैं 6 से 10 के लिए। तो सर कुछ लोग अफवाह कर रहे हैं इंटरनेट पूरी करके, इस पर क्या कार्रवाई? इंटरनेट कोई बंद करने का कोई निर्णय